नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 15 जनवरी 2019 मंगलवार का दिन है दोस्तों आज, और हनुमान जी का दिन है। जिनका मंगल भारी हो कुंडली में, वह उपाय कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं लाल चीज़ों का। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और नवमी तिथि आज पूरे दिन रहेगी। अश्विनी नक्षत्र है दोस्तों, दोपहर में 2 बजे तक फिर भंडनी प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हम बात करें आज के योग की, तो साध्य योग आज रहेगा और बाला जो करण है वह दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। दोस्तों मंगलवार के दिन जो राहु काल है वह दोपहर में 3:50 से लेकर 5:34 तक रहता है। और यदि हम बात करें आज के चौगड़िया मुहूर्त की, तो आज की जो स्थिति रहेगी उसमें चर की चौगड़िया 9 से 10:30 हैं, फिर 10:30 से 12 बजे तक लाभ की रहेंगी, फिर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अमृत की चौगड़िया रहेंगी। तो यह भी समय आपके लिए काफ़ी उचित है। मेष राशि वाले के दर्शक जो हैं उनके लिए आज कुछ विशेष बदलाव नहीं है, मैं क्लियर बता देता हूं। जैसा कल सामान्य व्यतीत हुआ था ऐसा ही आज आपके साथ में सेम घटनाएं वही रहेंगी, दिनचर्या वैसी ही व्यतीत होगी। वृष राशि वालों के लिए ज़रूर थोड़ा सा चेंजेस होगा उनकी पर्सनल लाइफ में, वह थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा भाग्य को लेकर के भी यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बनते बनते जो काम है वह बिगड़ सकते हैं, इसलिए यदि कोई बड़े मेजर काम है तो उनको आज आप ना करें, उनको बेशक पेंडिंग रख लें कल के लिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। आज जो आपके लिए प्लेनेटरी पोजीशन रहेगी उसके अंदर लाभ में वृद्धि होगी, सुंदर लाभ प्राप्ति का योग दिखाई देता है। दोस्तों कर्क राशि में चेंजेस हो जाएंगे, कर्क राशि में राहु बैठे हुए हैं, अभी 6 मार्च तक रहेंगे, जिस वजह से आपके मन में भय पीड़ा का जो साया है वह देखने को ज़्यादा मिलेगा। उतना नहीं आपको रिजल्ट मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वह भी कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में है और राहु चंद्रमा की राशि कर्क के अंदर बैठे हुए हैं। सिंह राशि की जो स्थिति है वह थोड़ी सी मजबूत होगी, इसमें स्वाभाविक तौर पर मजबूती भी होगी, और इनफैक्ट आप अपने शत्रुओं के ऊपर, जो आपके एनिमीज हैं उनके ऊपर आप भारी रहेंगे, ऐसा यहाँ पर मेरे को आज दिखाई देता है। पर लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और गाड़ी तेज गति से नहीं चलानी है। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन सेम व्यतीत होगा कल की ही भांति, कोई विशेष बदलाव आज नहीं रहेंगे आपके जीवन के अंदर। बस इतना बोलूँगा वैवाहिक जीवन में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुला राशि, आपके लिए जो स्थिति है वह सप्तम भाव को लेकर के मजबूत होगी, काम बनेंगे, विदेश यात्रा के लिए समय उचित है, विदेशों से लाभ की भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए कोई आप डील फाइनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए रोग चोट शत्रु भय की जो स्थिति है वह यहाँ पर पनप जाएगी, ध्यान रखिएगा कर्जा किसी से नहीं लेना है, क्योंकि कर्जा कहीं ना कहीं आपके ऊपर बढ़ेगा और यही आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगा। आर्थिक जो लेन देन है वो बड़े नहीं करने चाहिए। धनुराशि के दर्शकों के लिए आज संतान भाव की मजबूती होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं, उच्च पदों की प्राप्ति के लिए आप कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत समय से, तो आपको कुछ आज थोड़ा सा सफलता ज़रूर मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए जो स्थिति रहेगी दोस्तों उसके अंदर चंद्रमा का जो प्रभाव है वह सीधे सीधे आपके मन पर आएगा, मन से थोड़े मजबूत भी होंगे पर व्याकुल भी होंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, इसीलिए आज बड़े डिसीजन आज आपको नहीं लेने चाहिए। कुंभ राशि की जो प्लेनेटरी पोजिशन है इसमें साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आज सबसे अच्छी बात है कि जो भी आप योजना बनाएंगे वह आपकी एग्जीक्यूट होंगी और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों मीन राशि वालों के लिए धन वृद्धि का एक योग बन रहा है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और इसके अलावा भाग्य की वृद्धि होगी, ये तीनों चीज़ें मजबूत होंगी, इसलिए आपका दिन अच्छा है। दोस्तों यह था आपका आज का राशिफल, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।